मथुरा हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र के कई शहरों में मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। इस दौरान कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। नांदेड़ में हिंसक भीड़ ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की और भारी पथराव किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सरकारी वाहनों को नुकसान भी पहुँचाया गया। मालेगांव में भी काफी उत्पात मचाया गया है। हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस के लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि फिलहाल इलाके में शांति है। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। भारत बंद के आह्वान पर महाराष्ट्र में शुक्रवार को हिंसा बढ़ गई। राज्य के कई शहरों में मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया था, जिस वजह से नांदेड़ और मालेगांव सहित कई इलाकों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। ऐसे में पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। मैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहा हूं। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमें सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की जरूरत है। खैर, देखना होगा कि इस बंद का क्या असर होता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना